दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड। इलेक्ट्रिकल में स्विच बोर्ड क्या होता है इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड है। हमारा घर का जो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड है ये एक रूम का स्विच बोर्ड है। दोस्तों देखिए ये स्क्रू से पूरा फिक्स किया हुआ है। देखिए ये एक स्क्रू है, ये भी एक स्क्रू है, ये एक स्क्रू है और ये एक स्क्रू है, ठीक है। तो हमारा घर का ये एक स्विच बोर्ड है एक रूम का, ठीक है। तो ये चार स्क्रू से ये फिक्स किया हुआ है ये बोर्ड को, और इसके अंदर बहुत सारा स्विच देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। देखिए दोस्तों इसमें 1 2 3 4 5 स्विच देखने को मिल रहा है। एक एक स्विच जो होता है एक एक अप्लायंस को चालू करने के लिए या दोस्तों चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों फैन का रेगुलेटर है, ये थोड़ा टूट गया है, ये एक फैन का रेगुलेटर है, ठीक है। ये फैन का जो स्विच है ये फैन का स्विच है, ऊपर देखिए ये फैन घूम रहा है, ये फैन का स्विच है, ठीक है। ये फैन का स्विच है, फैन का स्विच दिया हुआ है, और ये प्लग पॉइंट है, इसके जरिए आप लोग यहाँ से सप्लाई ले भी सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये एक जो थ्री पिन प्लग होता है ये 15 एम्पियर का होता है, और दूसरा जो रहता है दोस्तों वो एक 15 एम्पियर का रहता है और दूसरा 5 एम्पियर का रहता है। तो इसमें दो प्लग पॉइंट है, ठीक है। 1 2 3 एक पकड़ लीजिए और 1 2 3 ये एक पकड़ लीजिए, ठीक है। तो एक 15 एम्पियर का प्लग पॉइंट है और एक 5 एम्पियर का प्लग पॉइंट है। तो एक स्विच बोर्ड में दो प्लग पॉइंट का व्यवस्था रहता है, मतलब अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो ये प्लग पॉइंट वाला ये जो प्लग पॉइंट है इसका स्विच है ये, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया ये पंखे का है, ठीक है। और ये रेगुलेटर है पंखे, देखिए अभी ये ऑन पोजीशन पे है, ये जो स्विच है ऑन है, तो ये फैन घूम रहा है, देखिए ये फैन घूम रहा है, ये ऑन पोजीशन पे है। जब हम लोग इसको ऑफ कर देंगे तो पंखे घूमना बंद हो जाएंगे। देखिए मैं पंखे को बंद कर रहा हूँ स्विच के जरिए, देखिए पंखे को मैंने बंद कर दिया तो ये पंखा धीरे धीरे बंद हो रहा है। देखिए मैं पूरा स्विच बोर्ड के जरिए आप लोगों को समझा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में कैसे कैसे कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको ऑफ कर दिया, ये स्विच को ऑफ कर दिया तो ये पंखा धीरे धीरे पूरा बंद हो रहा है, ठीक है, मतलब घूमना बंद हो रहा है, ठीक है। जब इसको मैं ऑन कर दूंगा फिर से ये चालू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये पूरा अभी बंद हो रहा है, जब ये मैं अब फिर से चालू करूंगा तो ये पंखा भी घूमना चालू कर देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में बहुत सारा पॉइंट्स रहता है, ठीक है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल घूमना बंद हो रहा है, बिल्कुल स्टैटिक हो जाएगा। अब ये मैं स्विच दे रहा हूँ, देखिए जब स्विच दे दूंगा तो ये पूरा घूमना चालू हो जाएगा, फोर्स से ये दे दिया, देखिए ये घूमना चालू हो गया। तो एक रूम का ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड है। तो ये स्विच के जरिए ये जो अप्लायंस होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इसको पूरा कंट्रोल किया जाता है। और ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर के जरिए आप लोग क्या कर सकते हो, फैन का जो स्पीड होता है पंखे का घूमने का उसको कम कर सकते हो या ज्यादा कर सकते हो। अभी ये कम हो रहा है, ठीक है, नहीं ये जो रेगुलेटर है ये खराब हो चुका इसलिए अभी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये डायरेक्ट अभी घूम रहा है, रेगुलेटर थोड़ा खराब है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है दोस्तों एक बल्ब का पॉइंट है, ऊपर देखिए ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। अभी ये जो स्विच है ये ऑन कंडीशन में है, अभी इसको ऑफ कर देंगे तो ये भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो लाइट है इसको मैं अगर बंद कर देता हूँ
तो ये बंद हो जाएगा। देखिए ये मैं अभी लाइट जल रहा है, अभी ऑफ करेंगे हम, ठीक है। ये ऑफ किया, देखिए पूरा ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया। अभी ये ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगा। देखिए ये कैसे ऑपरेट हो रहा है। देखिए ये स्विच बोर्ड के जरिए ऐसे ऑपरेट किया जाता है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड का जो स्विच होता है ऐसे ऑपरेट किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड में जो है बहुत सारा इलेक्ट्रिकल स्विच मिल जाता है देखने को, ठीक है। और ये थ्री पॉइंट ये जो प्लग होता है इसके ऑपरेट करने के लिए या चालू करने के लिए ये पॉइंट यूज किया जाता है। इसमें अगर आप लोग सप्लाई लेना चाहते हो इसके जरिए तो इसमें 3 पॉइंट प्लग देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया ये एक बल्ब का पॉइंट है, कैसे ऑन किया जाता है, कैसे ऑफ किया जाता है, और इसका अभी ऑन है, ठीक है। तो ये दूसरा एक ट्यूबलाइट का पॉइंट है, ठीक है। अभी ट्यूबलाइट ये खराब है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट दिखा दिया, जैसे पंखा हो गया, पंखे को भी दिखा दिया, ठीक है, और एक बल्ब को भी दिखा दिया। तो एक स्विच बोर्ड के जरिए बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को दोस्तों ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें अभी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप लोग इसके जरिए ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत सारा ये अच्छा वाला एक डिज़ाइन वाला स्विच बोर्ड है, बहुत साल पहले लगाया गया है, ये करीब 15 साल हो गया, ठीक है। अभी भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी कनेक्शन बहुत ही सिंपल रहता है, ठीक है, फेस न्यूट्रल अर्थिंग ऐसा रहता है। दूसरे दिन मैं आप लोगों को इस स्विच बोर्ड कैसे कनेक्शन किया जाता है खोल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कनेक्शन कैसे किया जाता है, फेस न्यूट्रल कैसे जोड़ा जाता है, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड है और इसको फिक्स करना भी उतना कठिन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। इसके चारों तरफ 4 स्क्रू है, 1 स्क्रू 2 स्क्रू 3 स्क्रू 4 स्क्रू, ठीक है, 4 स्क्रू है, ठीक है। आप लोगों को सावधानी बरतना यही होता है कि आप लोग जब हाथ में अगर पानी होता है, अगर कोई भी पानी का लिक्विड रहता है, तब इलेक्ट्रिकल स्विच जो होता है उसको नहीं टच करने का, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, ठीक है। जब आप लोग कोई भी काम करते हो, हाथ भीगा हुआ रहता है, पानी से पानी लगा हुआ रहता है हाथ में, तो पानी से हाथ लेकर इलेक्ट्रिकल स्विच को टच नहीं करने का, अगर टच करेंगे तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है, बहुत सावधानी से काम करने का। तो सूखा हुआ हाथ ऐसे सूखा हुआ देखने का पहले, उसके बाद इलेक्ट्रिकल स्विच इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सावधानी आप लोगों को बरतनी पड़ेगी इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में, ठीक है। और ये रेगुलेटर अभी खराब है, ये खराब इसलिए मैं पंखे का जो स्पीड है मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये रेगुलेटर अभी खराब है फिलहाल, ये पंखे का स्विच है, ये दूसरा एक ट्यूबलाइट का स्विच है, और ये इलेक्ट्रिकल बल्ब का मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये एक LED बल्ब है, ठीक है, ये अभी ऑन है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया ऑन है। अभी ऑफ करूँगा तो ऑफ कंडीशन में आ जाएंगे, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये ऑफ, ये देखिए ऑफ हो गया, मेरा हाथ देखिए, उंगली देखिए, और ये अभी ऑन करूँगा तो ऑन भी हो जाएगा, देखिए ऑन भी हो गया। आप लोगों को दिखा दिया मैंने कैसे ऑफ ऑन इसको किया जाता है स्विच बोर्ड के जरिए। तो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड जो होता है इलेक्ट्रिकल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड जो होता है तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो ये स्विच बोर्ड के जरिए हम लोग एक जगह में रह के दोस्तों बहुत सारा इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को एक जगह से ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक सुविधा है, एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड का, एक ही जगह में एक स्विच बोर्ड लगा के आप लोग बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑपरेट कर सकते हो। तो ये बहुत
पहले से ये इन्वेंट हुआ है इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड जो होता है, ठीक है। तो आप लोग जितना अच्छा एक स्विच बोर्ड लगाएंगे सेफ्टी भी उतना अच्छा रहता है। ये भी अच्छा एक स्विच बोर्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड जो होता है आप लोगों को सावधानी से यूज करना है, हाथ को बिल्कुल साफ करके, पानी मत टच करके इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड का स्विच को टच मत कीजिएगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड जो होता है उसका कनेक्शन भी बहुत ही आसान रहता है, ठीक है। तो मैं एक दिन दूसरे वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है।